नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज बात होगी तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात पुलिस वालों को छुट्टी। जी हां, बात होगी पुलिस वालों की छुट्टी पर। विस्तार से आपको पूरी खबर दिखाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज एक आदेश आया और प्रदेश के पुलिस कर्मियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। सरकार बदलते ही पुलिस वालों को साप्ताहिक अवकाश का आदेश आ गया। आदेश तो जारी हो चुके हैं, मगर चुनौती ये है कि स्टाफ की कमी के बीच रोस्टर कैसे तैयार होगा और अवकाश कैसे मिल पाएगा, इसी पर एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले न खाने का ठिकाना न सोने का वक्त, बिना छुट्टी कैसे कटता वक्त। जब आए छुट्टी के आदेश, पुलिस कर्मियों के लिए राहत संदेश। छुट्टी किसे पसंद नहीं, चाहे प्राइवेट दफ्तर में काम करने वाला कर्मचारी हो या फिर सरकारी दफ्तर में काम करने वाला कर्मचारी, हर एक को अपने वीकली ऑफ का इंतजार रहता ही है। लेकिन आज से पहले कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें वीकली ऑफ नहीं मिलता था। सोचिए, काम हजार और छुट्टी एक दिन की भी नहीं, कैसे गुजरता होगा। जिन्हें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था, वे थे छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मी। लेकिन अब सरकार बदली है तो फैसले भी बदले गए हैं, और इस फैसले के बाद सिर्फ पुलिस वालों का नहीं बल्कि उनके परिजनों के चेहरे भी खिल उठे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश यानी कि वीकली ऑफ का आदेश आ चुका है, जिसके बाद से पुलिस और उनके परिजनों की बल्ले बल्ले हो गई है। ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की तरफ से। हमको होली दिवाली किसी भी त्यौहार किसी भी वेकेशन में छुट्टी नहीं मिलता, वीकली ऑफ नहीं मिलता, तो परिवार के साथ समय नहीं दे पाते हैं परिवार को, बीवी बच्चों को, तो कम से कम अब ये हो जाएगा कि परिवार को समय दे पाएंगे। ये तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। हम लोग पूरे टाइम कम से कम सप्ताह में एक बार अपने परिवार को टाइम दे पाएंगे, कहीं भी एक दिन के लिए घुमाने ले जा सकते हैं बस। खुशी तो आपने देख ली कितनी है, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो पूछते हैं कि अगर हफ्ते की एक दिन की छुट्टी मिली तो फिर काम कैसे होगा। पुलिस कर्मियों और थाने के आंकड़े, प्रदेश में 514 थाने और 128 चौकियां। कई थाने में 50 से 60 पुलिस कर्मी तैनात। अधिकांश थाने में 50% पुलिस स्टाफ की कमी। रायपुर के 33 थाने और चौकियों में पुलिस बल की कमी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार ने 6000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के आदेश दे दिए हैं और ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। मतलब साफ है कि छुट्टी में कोई बाधा न आए, इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर चुकी थी और उस तैयारी के बाद ही ये आदेश आया। फिर भी सवाल खड़े होते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में तो वक्त लगता है, ऐसे में क्या पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर जाने से प्रदेश का माहौल खराब नहीं होगा। ये सवाल है, क्या पहले ऐसी कोई व्यवस्था आई थी, ये भी जान लेते हैं। पहले की सरकार में आए थे आदेश, कानून व्यवस्था पर आया था असर। कुछ ही पुलिस जवानों को मिल पाती थी छुट्टी। अपराधों पर नियंत्रण में आ रही थी बाधा। स्टाफ की कमी से अटका था आदेश। हालांकि विभाग अभी से इन बाधाओं का हल निकालने में जुट चुका है और आदेश पर काम भी शुरू हो चुका है। पुलिस कर्मचारियों को रक्षक से निरीक्षक स्तर तक के लोगों को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है और ये वरिष्ठ का कार्यालय से आदेश पहले से भी प्राप्त हुआ है और समय समय पर उनको साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जा रहा है। अगर किसी प्रकार से आवेदन साप्ताहिक अवकाश के लिए अगर रहता है तो भी उसका निराकरण किया जाता है और जो भी वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश होंगे उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। खैर, जो होगा सो होगा, लेकिन खास बात ये कि अब पुलिस कर्मी भी अपने परिवार को वक्त दे पाएंगे, अपने बच्चों के साथ घूमने जा पाएंगे। हाँ, देखना ये है कि इस फैसले के बाद क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। युगल तिवारी, न्यूज 18, रायपुर, छत्तीसगढ़।
हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के पुलिस कॉलोनी में और आप देख सकते हैं ये तस्वीर, ये रायपुर का पुलिस कॉलोनी है। चाहे होली हो, दीपावली हो, कोई भी तीज त्योहार हो, पुलिस 24 घंटा ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। लेकिन अब साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, हमारे बीच पुलिस के कर्मचारी हैं, उनके बच्चे भी हैं, हम बात करेंगे कि इस छुट्टी को कैसे किस रूप में लेते हैं, बताएंगे कि अब छुट्टी मिलेगा, आदेश डीजीपी ने जारी किया है, कितना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, हमको होली दिवाली किसी भी त्यौहार किसी भी वेकेशन में छुट्टी नहीं मिलता, वीकली ऑफ नहीं मिलता, तो परिवार के साथ समय नहीं दे पाते हैं परिवार को, बीवी बच्चों को, तो कम से कम अब ये हो जाएगा कि परिवार को समय दे पाएंगे। ये तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, हम लोग पूरे टाइम कम से कम सप्ताह में एक बार अपने परिवार को टाइम दे पाएंगे। पापा हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, रोज घर पर रहें। जी, और बताएंगे और भी बच्चे क्या, किस तरह से पापा से उम्मीद रहती है लेकिन समय नहीं मिल पाता होगा, अब कैसा रहेगा? अब बहुत अच्छा रहेगा जी, अवकाश है एक दिन का मिलेगा और उस अवकाश को ये अपने परिवार के साथ एक्सपेंड करेंगे, साथ ही साथ जो घरेलू कामकाज है उसे भी संपादित करेंगे। कैमरा पर्सन नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो पुलिस कर्मियों को वीक ऑफ मिलेगा और पुलिस कर्मियों की साप्ताहिक छुट्टी को लेकर काफी ज्यादा खुशी है एक तरफ, तो सवाल ये कि आखिर जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो कानून व्यवस्था है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ युगल तिवारी रायपुर से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, सवाल ये कि छुट्टी तो मिलेगी लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी इस राह में, कानून व्यवस्था को मैनेज कैसे किया जाएगा, रोस्टर कैसे बनेगा? जी बिल्कुल, देखिए हमारे पास पुलिस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस भी, हम सीधे बात करेंगे कि साप्ताहिक अवकाश एक बार फिर मिलेगा, बच्चे, हमने बच्चों से भी बात की, काफी खुशी है, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी खुश है, किस तरह का आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा? अभी जो इसके कार्यान्वयन में कितनी देर लगती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा और इससे मानसिक राहत बहुत मिलेगी, क्योंकि अभी जो छुट्टी लेने जाते थे और जो छुट्टी के लिए परेशान होते थे उसमें बहुत परेशानी आती थी, तो अगर ये सही रूप से लागू हो गया तो इससे यकीनन बहुत मतलब सुकून मिलेगा पुलिस कर्मियों को, उनके परिवार को मानसिक रूप से बहुत राहत मिलेगी। एक बार और पहल की गई थी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लेकिन किसी कारणवश वो अवकाश नहीं मिल सका, एक बार फिर अवकाश की बात हो रही है, तो इसे बेहतर राहत कह सकते हैं, बच्चे भी आप लोगों को हमेशा मिस करते हैं, तो क्या परिवार वालों के भी साथ हो पाएगा, बिता पाएंगे, बच्चों की बहुत सारी अपेक्षाएं वो भी पूरी हो पाएंगी? जरूर जरूर, इसमें परिवार से समय बिताना ही महत्वपूर्ण था, वो उसमें ये बहुत सबसे बड़ी राहत यही रहेगी कि परिवार के साथ एक दिन वो पुलिस कर्मियों को मिलेगा। वो आप लोग होली दीपावली में भी ड्यूटी करते हैं, अब साप्ताहिक का अवकाश मिलेगा तो समय जरूर उसमें त्योहार में नहीं, त्योहारों में तो खैर छुट्टी नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं लगता कि त्योहार मिलेगा, लेकिन जो साप्ताहिक अवकाश है उसमें तो विश्वास है कि वो लागू हो जाएगा। तो देखिए पूरे जो परिवार वाले हैं, पुलिस हैं, उनमें, उनके बच्चों में ये खुशी है वो लगातार देखी जा रही है, और सबसे खास बात है कि चाहे वीवीआईपी ड्यूटी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, और इसके अलावा जो अपराधों पर नियंत्रण है, तमाम जवाबदारी पुलिस के कंधों पर रहती है, और ऐसे में साप्ताहिक अवकाश देना अच्छी बात कही जा सकती है। लेकिन अगर हम थाना और चौकी की बात करें तो थाना और चौकी जितने भी प्रदेश में संचालित हों, राजधानी रायपुर में संचालित हों, सभी में स्टाफ की कमी है, तो एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से रोस्टर तैयार किया जाएगा, आखिर छुट्टी को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। दोबारा से बातचीत करेंगे, एचआर मनहर, रिटायर्ड डीआईजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एचआर मनहर जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। सर, सवाल ये कि अब पुलिस वालों को भी वीकली ऑफ मिलनी शुरू हो जाएगी, लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी लेकिन पूरा नहीं किया जा रहा था, इसे बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सर आवाज आ रही है आप तक? कर्मचारियों के लिए लागू था लेकिन बीच में कोरोना काल आ जाने के कारण से इसको बंद कर दिया गया था, अब पुनः ये साप्ताहिक अवकाश को पुनः लागू किया गया है,
अब इसे थाना स्तर से लेकर के जिला स्तर तक सभी अधिकारी कर्मचारियों को रोस्टर तैयार किया जाएगा। उस रोस्टर के आधार पर सभी कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं मनहर जी कि छुट्टी अगर घोषित की गई है और वीकली ऑफ अब पुलिस वालों को दिया जाएगा तो कुछ चुनौतियां भी आएंगी। चुनौतियां ऐसी कि रोस्टर तैयार करने में भी बहुत सारी परेशानी होगी क्योंकि जितने थाने हैं उतने पुलिस वाले नहीं हैं, और अगर कम पुलिस वाले हैं उसमें भी अगर वीकली ऑफ दिया जाएगा तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था प्रदेश की डगमगा ना जाए। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हाँ। क्योंकि 2020 के पहले भी ये छुट्टी का जो नियम है लागू था, उस समय भी किसी प्रकार के लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अब इसमें क्या है कि साप्ताहिक अवकाश कर्मचारियों को दिए जाने से जब छुट्टी व्यतीत करने के बाद में आएंगे तब स्वाभाविक बात है उनकी जो कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, और कार्य क्षमता में वृद्धि होने के कारण से ये अपने कार्य को सहजता के साथ में निपटा सकते हैं। कई जगहों पर यह भी देखा जा रहा है कि वैसे तो छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा थाने हैं और 128 चौकी है, हर थाने में 50 से 60 पुलिसकर्मी तैनात है। कई ऐसे भी थाने हैं जहां पर 50% पुलिस स्टाफ कम है तो कहीं पर तो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि किन चीजों पर काम किया जाना है और वीकली ऑफ पर ज्यादा प्रभाव न पड़े और क्या बेहतर प्लान तैयार किया जा सकता है और सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, सरकार के फैसले सही है, कर्मचारियों के हित में है, और सही सवाल कानून व्यवस्था की, तो जो उपलब्ध स्टाफ रहेंगे वो पर्याप्त है। पुलिस विभाग में ये होता है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में कानून व्यवस्था का निर्मित होता है तो अन्य जगह से पुलिस बल को बुला लिया जाता है और उस कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जाता है। तो ऐसे ऐसी स्थिति रहेगी तो किसी प्रकार के कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं होगी। ठीक है, अब तक आपने किस तरीके से देखा है छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहां पर जवानों की सतर्कता तो रहती ही है, नक्सलवाद को खत्म किया जाना एक बड़ा एजेंडा अब मौजूदा सरकार ने तैयार कर लिया है कि जड़ से खत्म करना है नक्सलवाद को, तो दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर किसी भी स्थिति में प्रभावित ना हो ये भी लक्ष्य रखा गया है इस ओर, और अब ये फैसला, कुल मिलाकर आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा सरकार के कामकाज से लेकर और प्रशासनिक फैसले जो लिए गए हैं उसको? प्रशासनिक फैसले जो राज्य सरकार ने लिया है बहुत अच्छा लिए हैं। रही सवाल जैसे नक्सल बेल्ट का है, नक्सल बेल्ट में स्टाफ बहुत ज़्यादा है और हर 5 किलोमीटर के दूर में एक कैंप बना हुआ है। ऐसे स्थिति में अगर कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है तो किसी प्रकार के कानून व्यवस्था की स्थिति या नक्सली समस्या के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कर्मचारी अपने अवकाश से वापस आने के बाद में अपने जो कार्य क्षमता के साथ में कार्य करेंगे और कानून व्यवस्था को मेंटेन कर लेंगे। ठीक है सर, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। युगल भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं जो कि जानकारी दे रहे थे कि मौजूदा समय में जो ये फैसला लिया गया है उससे कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं जो प्रशासनिक अधिकारी है। युगल शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका, और एचआर मनहर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अब बात होगी